हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। तेज रफ्तार बाइक आमने सामने से टकराई, दो की मौत, एक घायल। लिंक भेजकर खाते से निकाले 43,000 रूपए। महावितरण के विभाजन का विरोध। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को शाम करीब 7:15 पर खापरखेड़ा पुलिस थाने के सामने विपरीत दिशा से आ रही दो बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मेयो अस्पताल रवाना किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक तेज रफ्तार थी, एक सिटी बस बीच रास्ते में ही खड़ी थी। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही हीरो तथा पल्सर ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने से भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक के सामने के चक्के पूरी तरह चकनाचूर हो गए। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर दो लोग और दूसरी बाइक पर तीन लोग सवार थे। हादसे में भानेगांव निवासी पवन खंगार व अतुल जनार्दन खंडाते, सोनेगांव निवासी विलास खड़ से भानेगांव निवासी तथा शुभम जनार्दन खंडाते, सभी सोनेगांव निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेयो अस्पताल भेजा गया है, जांच खापरखेड़ा पुलिस कर रही है। उल्लेखनीय है कि दो दिन से रेलवे क्रॉसिंग से कॉलोनी गेट नंबर 2 तक सभी स्ट्रीट लाइट बंद है। अंधेरे के चलते दोनों बाइक में भिड़ंत हुई। इसी प्रकार सिटी बस सवारी के चक्कर में रास्ते पर कहीं भी खड़ी हो जाती है, जो हादसे का सबब बन रही है। अगली खबर, झांसा देकर युवती के बैंक खाते से रकम निकालने वाले साइबर अपराधी के खिलाफ बर्डी थाने में शुक्रवार को प्रकरण दर्ज किया गया है। गोदनी निवासी नेहा राजू कटारे है। 25 अगस्त 2021 को उसने अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए कस्टमर केयर को फोन किया था। उसकी कस्टमर केयर के तौर पर साइबर अपराधी जितिन शर्मा से बात हुई। जितिन ने नेहा के मोबाइल पर लिंक एक्सेस नामक ऐप की लिंक भेजी और उसमें पूछी गई जानकारी भरने के लिए कहा। इस दौरान बातों ही बातों में जतिन ने नेहा से उसके बैंक खाते की जानकारी हासिल कर ली और खाते से 43,318 रूपए निकाल लिए। घटना के तत्काल बाद इसकी संबंधित बैंक और थाने में शिकायत की गई। जांच पड़ताल में प्रकरण की पुष्टि होने पर शुक्रवार को प्रकरण दर्ज किया गया है। अगली खबर, महावितरण के उपभोक्ताओं पर बकाया बिल 72,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसमें कृषि उपभोक्ताओं पर 49,000 करोड़ का बिल बकाया है। कृषि उपभोक्ताओं को महावितरण की ओर से बिल में सब्सिडी दी जाती है। कृषि उपभोक्ताओं पर बढ़ रहे बकाया बिल को देखते हुए महावितरण के दो भागों में विभाजित करने की खबरें आ रही है। अभी तक महावितरण या होल्डिंग कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन अटकलों व खबरों पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर फेडरेशन ने महावितरण के विभाजन का विरोध किया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।